एक कमरे में होंगे देश के दो सबसे बड़े डॉन। डॉन का सामना डॉन से होगा। 20 साल बाद मिलेंगे जानी दुश्मन जो माफिया है योगी का टारगेट नंबर वन। एक कमरे में उसी के टारगेट पर होगा दुश्मन नंबर वन। कौन है वो दो सबसे बड़े माफिया जिसकी गिनती देश के सबसे बड़े डॉन में होती है। एक जमाने में जिससे पुलिस भी डरती थी, लोग ख्वाब के साए में जीते थे, लोग इनके परछाई से भी डरते थे, उसे आज योगी के एक फैसले ने एक ही कमरे में आने को मजबूर कर दिया है। ये कहानी समझने के लिए जाना होगा 90 के दशक में, जब काशी को केंद्र बनाकर दो गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड डॉन बनने के ख्वाब पाल रहे थे। ये दोनों दोस्ती के दो कदम साथ चले थे, तभी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। और 21 साल पहले पूरे उत्तर प्रदेश को जो थर्रा देने वाली घटना हुई, उसी का साक्षात्कार करने के लिए ये दोनों एक कमरे में आमने सामने खड़े होने वाले हैं। कौन है ये दोनों जानी दुश्मन, कहाँ होगी एक कमरे में मुलाकात और क्यों आई ऐसी नौबात, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कहानी की शुरुआत 15 जुलाई 2001 को होती है। गाजीपुर का चर्चित माफिया डॉन मुख्तार अंसारी अपने घर मोहम्मदाबाद से मऊ जा रहा था। अचानक मुख्तार के काफिले पर गोलियों की बरसात होने लगी। अंधाधुंध हुई इस फायरिंग में किसी तरह मुख्तार की जान बच गई, लेकिन मुख्तार के गनार और एक साथी की मौत हो गई। मुख्तार इस हमले से बौखला गया और हमले का मुख्य आरोपी माफिया ब्रजेश सिंह को बनाया। वही ब्रजेश सिंह जो पहले भी उसे पूर्वांचल में चुनौती दे रहा था, लेकिन पहली बार था जब खुलेआम मुख्तार पर गोलियों के बरसात कर उसने मुख्तार से सीधी जंग छेड़ दी थी। इतिहास के पन्नों में घटना बहुचर्चित उसरी चट्टी कांड से दर्ज हुई, जिसके बाद मुख्तार और ब्रजेश सिंह की अदावत खुलकर सामने आ गई और दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन बैठे। अब इसी केस में गाजीपुर के स्पेशल कोर्ट ने माफिया मुख्तार को गवाही के लिए 3 जनवरी को तलब किया है। माफिया मुख्तार के गवाही के दौरान कोर्ट ने माफिया ब्रजेश सिंह को भी कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद 20 सालों के बाद ये पहली बार होगा जब दोनों माफिया एक दूसरे के आमने सामने एक ही रूम में होंगे। गौरतलब है कि 5 बार के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी इस समय बांदा जेल में है। ईडी ने पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार अंसारी से पूछताछ की थी। मुख्तार अंसारी जमीन हत्या ने हत्या और वसूली समेत अन्य आरोपों पर उनके खिलाफ दर्ज कम से कम 49 आपराधिक मामलों के संबंध में ईडी की जांच के घेरे में है। हत्या के प्रयास और हत्या समेत कई मामलों में उत्तर प्रदेश में मुकदमों का सामना कर रहे हैं। वहीं ब्रजेश सिंह पिछले 6 महीने से अपने घर पर ही है। लगभग 13 साल बाद अगस्त 2022 में जेल से उसकी रिहाई हो गई थी और वह आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी रहा है। अब इस पेशी के दौरान क्या होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल सबकी निगाहें 3 जनवरी को होने वाले इस पेशी पर टिक गई हैं। डेस्क रिपोर्ट ओनली भारत।